ये करोला एक्स हमने कितने यार बड़े मजे कर। भाई लोग अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, सर ठीक हो ना? और आज है जी संडे और आज हमारे दोस्त की शादी है जो कि मोहम्मद जमान, आपने पिछले ब्लॉग में शायद देखा होगा। उसकी हमने बारात पे जाना है तो अभी वहाँ पे जाने के लिए तैयार होते हैं। भाई साहब भी तैयार हो रहे हैं, अभी मैं भी उठा हूँ, तकरीबन कोई 11 बज रहे हैं। उसने कहा कि यार जल्दी करो, रेडी शेडी होना है और फिर अभी तैयार होते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर चलते हैं वहाँ पे। तो भाई कपड़े इस्त्री कर रहा है, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो काला जोड़ा पहनने लगे हैं आज हम, और ये इस्त्री मैंने कहा जब तब तक गर्म हो वाले, अभी इनको इस्त्री कर लेते हैं और फिर नहाते हैं। हाय, अभी तुम लोग देख सकते हो आपका भाई तैयार हो चुका है और अभी चलते हैं जी शादी पे। यार यहाँ पे जो होता है ना वो फूल लगाने वाला वो था, लेकिन वो ना ब्लैक कलर का नहीं था, तो मैंने कहा यार फिर इसको अंदर ही खाली रहने देते हैं। पूछा मैंने कुछ? और अभी एक और मसला हो गया घर में, मोटर ख़राब हो गई यार घर की। अभी इस हालत में कौन जाएगा मैकेनिक लेने के लिए, लेकिन अभी फिर भी मजबूरी जो है जाना पड़ेगा घर पे, और है अभी नहीं कोई। अभी इस हालत में ही जाएंगे मैकेनिक को लेने के लिए और फिर वो आके वो ठीक करेंगे मोटर और फिर इसके बाद निकलेंगे शादी पर। जी मैकेनिक आ चुका है और क्या उसका नाम है, मोटर भी वो ठीक कर रहे हैं। अभी अपनी बाइक निकालते हैं और मम्मा ने कहा कि यार नाश्ते के लिए खाने के लिए कुछ ले आओ, फिर हल्का फुल्के कहते हैं वो कर लें नाश्ता, तो अभी पंजाबी में कहते हैं जिससे डब्बा रोटी वो लेने चलते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू में बन कहते हैं उसको, वो लेने चलते हैं। अभी वो खाएँगे, फिर तारिक साहब को भी लेना रहते, तारिक साहब को भी आज आपसे मिलवाएँगे इंशाल्लाह, फिर मिलते हैं। अभी आपने केकरा वो डब्बा रोटी तो नहीं मिली, लेकिन फिर मैंने केकरा से ले लिया, अभी इनको घर जाके चाय के साथ खाएंगे, अभी मिलते हैं घर जाके। तो यार नाश्ता नुश्ता करने के बाद हम निकलने लगे हैं शादी के लिए। आज गाड़ी पे नहीं जा रहे हैं, आज बाइक पे ही जा रहे हैं, क्योंकि शादी पास ही है और अभी निकलते हैं, बाजार भी जाना है, कुछ दोस्त हैं उनको भी साथ लेना है और फिर निकलते हैं। आज तो भाई भी बड़ा प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, भाई मेरा है ही सोना यार, भाई मेरा है ही सोना। यार जमान भाई ने गाड़ी शाड़ी डेकोरेट करने का काम मुझे दिया हुआ था, माशाल्लाह से गाड़ी डेकोरेट हो चुकी है। मिट्ठू भाई जान ने बड़ी अच्छी डेकोरेट की है, ये करोला एक्स हमने 6-7 फॉर्चूनर भी डेकोरेट हो रही है। तो अभी चलते हैं शॉप पे, अपने जो भी दोस्त हैं उनके साथ ले कर फिर शादी पर निकलेंगे। अभी यार फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, टेंट शंट सारे लगे हुए हैं, ये हमारे जिनको हमने साथ लिया था, यादल भाई हैं, ये हमारे सर तारिक साहब हैं, क्या हाल है सर जी? ठीक है, ये तो इस शक्ल को जानते हैं, मेरा बड़ा भाई है, ये ज़ुल्फ़कार भाई हैं। अभी खाना शाना सर्व हो रहा है, अभी थोड़ी देर तक हमें भी रोटी छोटी मिल जाएगी, हम फिर रोटी छोटी जब आएगी फिर देखते हैं, आप मिलते हैं आपसे जी। रोटी छोटी का सीन फुल होने, मैंने कहा ज़रा यार कैप्चर ही कर लेता हूँ, यहाँ पर भाई लोग बैठे हुए फुल मॉल से खाना खा रहे हैं। अभी जाके जमान भाई से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब की हाल चाल? मैं हूँ, मेरा हाथ बिजी है नहीं तो मिल लड़ा सिंह तो अभी जमान भाई से मिल लिया, अभी वापस चलते हैं अपनी जगह पे, है ना? अभी यार जमान के साथ आके बैठ गए हैं, बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, दूल्हे वाली फीलिंग आ रही है यार, साथ में वाला भाई बैठे हुए हैं, बाकी सारे रोटी चंडी मंड रहे हैं। अभी इनको सलामी भाई मिलने भी देनी यार थोड़ी। वालेकुम सलाम। तो यार यहाँ पे रोटी छोटी का सीन चल रहा है, वहाँ पे सारी देखे छके पक रही हैं, यहाँ पे हमारा क्या उसका कहते हैं रोटियाँ पक रही हैं, भाई लोग भी खाना खा रहे हैं। और सर की हाल चाल है? ठीक हो? स्पेशल इनका हलवा है वो खा रहे हैं, बड़ी बड़ी रोटियां, कितने बड़े बड़े पेड़े इनको वो बोलते हैं, कमाल है। मंडे मंडे पता नहीं, मंडे नहीं, मंडे संडे बोलते हैं इनको, कितने बड़े बड़े पेड़े 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 भी काफी ज्यादा बड़े हैं वो। ओके, तो अभी नीचे निकल लगे घर के लिए, हमारी जो अपनी बारात थी वो निकल चुकी है सारी, 4 बाइक्स पे हम आए थे और अभी घर जाने लगे हैं। ओके, फिर अल्लाह हमारे इस भाई को खुश रखे जिसकी शादी थी जमान भाई की, मिलते हैं फिर आपको घर जा सकते हैं। शादी से आके अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना सारा खा लिया था, उधर टिड पा रखे, और अभी मामा ने कहा कि यार तुम ना अपने कपड़े इस्त्री कर लो जो कल चाली शादी पे पहने के, कल हमारी कज़न की है जी बारात, उसकी बारात आनी है, और उन्होंने कहा कि यार तुम कपड़े इस्त्री कर लो, एन मौके पर फिर लाइट का बिल्कुल नहीं पता चलता है कब चली जाती है। तो अभी मैं कपड़े शपड़े निकाल लिए मैंने जो कल हमने पहनने हैं बारात पर, तो अभी इनको पहले प्रेस कर लेते हैं और फिर उसके बाद शाम के पास भी जाने के पास काम है,
तो फिर अभी ये कपड़े इस्त्री करने के बाद उसके पास चलते हैं। अभी जी मैं जाने लगा हूँ बाज़ार एक बार फिर से, क्योंकि फिर पापा ने कहा है मेरे लिए ना कुछ जूता लेके आओ, उन्होंने लेना है, खुद तो वो जा नहीं रहे, वो कह रहे मैं कपड़े नहीं सही पहने हुए, तो वो खुद ही जा कर ले आओ उधर से, जहाँ से कल मम्मा के लिए थे स्लीपर्स जो भी थे, जूता था जो भी, वहीं पर भी जाएँगे साइम शूज़ पर, वहाँ पे बाबा के लिए देख के आते हैं कोई अच्छा सा। बाबा तो यार अच्छा नहीं लगता, अब्बू जी कह लेते हैं, हमारे अब्बू जी हैं, अब्बू जी के लिए जाते हैं अभी वहाँ से कोई दो तीन सैंपल ला के, फिर अब्बू को चेक करवाएंगे और फिर देखेंगे कौन सा हमको अच्छा लगता है, आज अब्बू को शॉपिंग करवा देते हैं हम घर बैठा के। अभी यार फिर से साइम शूज़ पे आ चुके हैं वो लेने के लिए अब्बू के लिए शूज़, अभी यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइन लगे हैं, अभी देखते हैं कौन सा फाइनल करते हैं, फिर दो तीन ले के घर चलते हैं। जूते लेके घर आ चुके हैं, अभी चॉइस चल रही है अब्बू जाने की, देख रहे हैं कौन सा लूँ, कुछ समझ नहीं आ रही, इतने सारे मैं अभी ले आया हूँ। ठीक है बस, चलो ये वाला फाइनल हो गया है, ब्राउन कलर वाला, अभी वापस देने भी जाना है ये वाले, और फिर इसकी पेमेंट करके इसका दूसरा पाँव लेके आता। अभी जी जूता ले लिया है बाबा का, और अभी हसन का मुझसे मैसेज आया था कि यार मुझे आके ले जाओ, मैं बोल रहा हूँ, अभी हसन को ले लिया साथ। ये मेरा कज़न हसन है जी, क्या हाल है? ठीक, अभी हम चलते हैं बाज़ार, हमने एक आधा काम करना है वो करते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। अभी जी मैं आया हूँ जानू भाई के पास, इनके गोलगप्पे फतेहपुर में बड़े मशहूर हैं, इनसे अभी गोलगप्पे खाते हैं मज़ेदार से, आपको मिलवाते हैं और सॉरी आपको, हाँ आपको भी दिखाते हैं कि यार ये गोलगप्पे कैसे होते हैं। अभी हमारे गोलगप्पे रेडी हो रहे हैं, फिर भाई लोग फाइनली अपने गोलगप्पे आ चुके हैं, अभी इनको ट्राई करते हैं, यार बड़े मज़े के लग रहे हैं, इनको खा के देखते हैं। उल्टे हाथ से भी खाना बहुत ही मज़ेदार। बुम, अभी यार भाई लोग हम लोग निकल लगे हैं कज़न की मेहंदी के लिए, चाचू की बेटी की मेहंदी आज, तो आपका भाई रेडी शेडी हो चुका है, फिर है मेहंदी वाला, फिर वो फीलिंग आ रही है कि नहीं, अभी वहाँ पे चलते हैं बाहर जाके, फिर उनका घर भी दिखाते हैं आपको पास ही, इधर हमने पैदल ही चले जाना है, अभी चलते हैं वहाँ पे सीधा। जा रहे हैं और साथ मेरे हैं मियाँ फैसल साहब, और बत्तियाँ छत्तियाँ लगाई हुई हैं, और अभी वहाँ पर जाके आपको दिखाते हैं यार क्या सिस्टम है। ये वाला घर है जी। तो यार रोटी शोटी खाने के बाद हमारा फंक्शन जो है क्या उसका नाम है वो शुरू हो गया था, वहाँ पे हमने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि सारी फैमिलीज वाले थे, तो अभी सारे चले गए, मैंने कहा सोचा आपको सारा सिस्टम ही दिखा दूँ। यहाँ पे जी मर्द हजरात बैठे हुए थे, साथ ही जी मदरसे में महफिल हो रही है, वो ऊँची ऊँची माशाल्लाह से बातें इधर आ रही हैं, लेकिन खैर कोई नहीं, इस्लामी टाइप मेहंदी हो गई। यहाँ पर जी सारा ये मेहंदी का सिस्टम लगा हुआ था, लाइटें शटर लगी हुई हैं, और अभी मेहंदी एंड हो गई है, अभी चलते हैं ये घर और फिर जाकर ब्लॉग भी एडिट करते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह अपलोड भी करेंगे। मिलते हैं फिर आपसे कल, अल्लाह हाफिज़।